हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के यूनिट फर्स्ट में एरर का जो टॉपिक था वहीं चल रहे थे कल की वीडियो के साथ। लेटेस्ट वीडियो में हमने एरर के थ्योरेटिकल टाइप्स के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे कि जो एरर्स हैं उनको अगर हम दो नंबर को ऐड करें या दो नंबर को सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो नंबर्स में जो एरर है उसका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि आपने कोई मेजरमेंट किया, जैसे कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा कि आपको लिखना था 1.53 लेकिन आपने लिख दिया उसे 1.35 बाय चांस, तो हमारे पास यहां पर एरर कितनी हुई 0.18। तो एक नंबर में इतनी एरर है। अब इस एरर को आप कैसे ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको सबट्रैक्ट करके। इसी प्रकार अगर ये एरर नेगेटिव होती तो हम इसे कैसे रिमूव कर सकते थे, ऐड करके। यानी किसी नंबर में उसकी एरर को निकालने का जो तरीका होता है, रिमूव करने का जो तरीका होता है, वो है या तो प्लस करके या माइनस करके। इट मींस मान लीजिए कि हमने कोई नंबर लिखा 1.53 और उसमें एरर है 0.03 का, तो या तो वो एरर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो एरर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सिमिलरली कोई दूसरा नंबर है 1.52 और उसमें एरर है 0.02 का, अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को जोड़ना है या फिर इन दोनों नंबर को घटाना है, व्हाटएवर, इनका कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, तो हमारे पास ये जो एरर है उसका क्या होगा। तो इस टॉपिक पर आज हम बातचीत करेंगे, एग्जांपल हम बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं कि इसका होता क्या है, फिर एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो सबसे पहले हम टोटल चार ऑपरेशंस की बात करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। वेरी फर्स्ट, क्या होगा अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें। अब हम दो नंबर मान के चलते हैं, सुपोज करते हैं कि हमारे पास कोई दो नंबर हैं x एंड y, ये कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, व्हाटएवर। तो x में अगर कोई एरर है, देखिए बच्चे, जो एरर होती है वो एक स्मॉल नंबर होता है, जैसे कि मैंने लिखा 1.53 प्लस माइनस 0.03, तो ये तो नंबर है और ये एरर है, यानी इतनी उसमें गलती है, दैट्स इट। तो अगर मान लीजिए कि ये जो नंबर है मैं इसको लिख रहा हूं x, तो जो एरर है उसके हम लिखते हैं डेल्टा x। डेल्टा शो करता है स्मॉल क्वांटिटीज को। देखिए यहां पर ये जो डेल्टा है एक सिंबल है जो कि x के आगे हमने लगाया, इसका मतलब नहीं है डेल्टा का प्रोडक्ट x के साथ, ये एक सिंगल नंबर है, ये एक सिंगल नंबर है जो कि स्मॉल क्वांटिटी को शो कर रहा है। डेल्टा का मतलब है स्मॉल, इसलिए अब मैं जनरली लेकर चलता हूं, हमने कोई भी दो नंबर लिए x और y, अगर x में एरर है डेल्टा x और y में एरर है डेल्टा y, अब अगर इन दोनों नंबर को मुझे जोड़ना है तो इस एरर का क्या होगा। ओके, तो हम लिखते हैं कि इफ द सम ऑफ, चलिए ज्यादा थ्योरी ना लिखते हुए, अगर हम लिखें कि जो दो नंबर है x और y, उनको जोड़ने से अगर हमें आंसर मिलता है z, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा दो नंबर को जोड़ने पर, हमने मान लिया कि वो आंसर z है, तो क्योंकि x में कुछ एरर है, इफ डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z आर एरर, एरर की से बेटर हम लिखे रिस्पेक्टिव एरर इन x, y एंड z। हमने मान लिया कि डेल्टा एक्स में एरर है, सॉरी एक्स में एरर है डेल्टा एक्स, वाई में एरर है डेल्टा वाई और जेड में एरर है डेल्टा जेड, क्योंकि जो एरर है वो रिजल्ट में भी आएगी डेफिनेटली। चलिए, तो अभी अभी हमने बताया कि जो एरर है उसे निकालने का क्या तरीका होता है, या तो हम उसे जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं, सो जेड में जो एरर है अगर उसे हमें निकालना है तो या तो उसे जोड़ना होगा या घटाना होगा, तो प्लस माइनस जेड। सिमिलरली x में जो एरर है वो या तो प्लस होगी या माइनस होगी, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, बीच में प्लस, y में जो एरर होगी प्लस माइनस डेल्टा y। ये जो प्लस माइनस हमने किए हैं इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन से एरर को निकालने की कोशिश की है, और ये हमारे पास नई इक्वेशन है जिसमें एरर नहीं है। ये इक्वेशन वन है, x और y दोनों में एरर थी, जो एरर थी वो जुड़ेगी, जुड़ के वो रिजल्ट में आ जाएगी, तो इसलिए हमने x में से एरर को निकालने के लिए प्लस माइनस कर दिया, y में से भी एरर को निकालने के लिए प्लस माइनस कर दिया, और रिजल्ट में जो एरर थी उसको भी निकालने के लिए हमने प्लस माइनस कर दिया। चलिए,
तो देखिए लेफ्ट साइड में हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, यहां पर लिख सकते हैं हम x प्लस y, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, यहां पर ये बच गया, यहां पर ये बच गया। अब ये जो x प्लस y है इक्वेशन 1 से वो z के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट साइड में हमने इसे लिख दिया z प्लस माइनस। अब दोनों में प्लस माइनस थे, कॉमन ले लिए, तो प्लस और माइनस जब दोनों कॉमन ले लिए तो बीच में हमारे पास प्लस बच जाएगा सिर्फ। ओके ये जो z है इसे इधर ले जाके इस z में से जब माइनस हो जाएगा, z माइनस z जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अब दोनों तरफ से प्लस माइनस ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट में जो एरर है वो बराबर होगी एरर इन x प्लस एरर इन y। तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि अगर दो नंबर्स को आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनकी एरर भी जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां से हम कह सकते हैं इफ टू नंबर्स आर एडेड देन देयर एरर इज आल्सो गेट एडेड, तो उनकी जो एरर है वो भी जुड़ जाती है। तो ये हमें मिल गया डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट्स मैं आपको सबट्रैक्शन का भी बता देता हूं, पॉइंट नंबर दो सबट्रैक्शन, काफी इजी है और रिजल्ट भी हमारा सेम आने वाला है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट किए बिना, मान लेते हैं कि आप x में से y को माइनस करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पर आपको मिल गया z, दो नंबर को घटाने पर कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो x में से y को जब हमने घटाया तो सुपोज कि हमें रिजल्ट मिल गया z। अब क्योंकि x और y दोनों में एरर है, तो हमने x में से एरर को रिमूव किया प्लस माइनस करके, y में से भी रिमूव किया प्लस माइनस करके, लेकिन बीच में हमारे पास क्या था, माइनस, तो यहां पर माइनस लगा दिया। z में जो एरर है उसे भी प्लस माइनस से हटाया जा सकता है, लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी। ये x यहां पर आ गया माइनस y, तो यहां पर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस डेल्टा x, प्लस माइनस डेल्टा y, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए हम इसे लिख देंगे माइनस प्लस डेल्टा y। इज इट ओके? आपने कुछ भी नहीं किया, x और y को इकट्ठा लिख दिया, डेल्टा x प्लस माइनस का यहां बच गया और माइनस बाहर था, इसलिए इस साइन को मैंने प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस लिख दिया। x माइनस y जो है वो इक्वेशन 1 से z के बराबर है, इसलिए हमने इसे लिख दिया z, और इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, और क्योंकि दोनों साइन हमने कॉमन ले लिए फिर से बीच में बच जाएगा प्लस, z में से z माइनस हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस दिस, प्लस माइनस कैंसिल कर दिया और रिजल्ट हमें मिल गया सेम। इसका मतलब अगर आप दो नंबर को घटाते भी हैं तब भी उनकी जो एरर है वो जुड़ जाती है, इफ टू नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड देन आल्सो देयर एरर गेट एडेड एंड अपीयर इन रिजल्ट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर हम दो नंबर को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो उनकी जो एरर है वो ऐड हो जाती है, भले ही आप सब्ट्रैक्ट करें भले ही आप ऐड करें, तो उनकी जो एरर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास था एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अभी हम इसी का एक न्यूमेरिकल या एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन से आपको बेटर समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर, पानी का टेम्परेचर किसी ऑब्जर्वर ने रिकॉर्ड किया और वो टेम्परेचर है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ये इनिशियल टेम्परेचर है T इनिशियल, ये फाइनल टेम्परेचर है T फाइनल। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट्स, एरर लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए कितना टेम्परेचर राइज हुआ, कितना बड़ा ये बताएं, पहले इतना टेम्परेचर था बाद में इतना हो गया, तो कितना बड़ा कैसे निकालेंगे, माइनस करके। तो हम बोलेंगे राइज इन टेम्परेचर बराबर होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो इट मींस हमें लिखना है 78.3 प्लस माइनस 0.3 माइनस 40.6 प्लस माइनस 0.2।
तो देखो बच्चों, ये मेन नंबर्स तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जब आप 78 माइनस 3 में से 40.6 माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 7, यहां पर आ जाएगा 7 और यहां रह जाएगा आपके पास 3, 37.7। तो जब आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 37.7, बट ये पहले नंबर में एरर है, ये दूसरे नंबर में एरर है। चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, एरर हमेशा जुड़ती है, इसलिए टोटल एरर ऐड होके 0.5 बन गई। ये आ गया एरर का रिजल्ट। एक्चुअल में अगर मैं इस नंबर को एक्स मान लूं तो ये डेल्टा एक्स है, इसको वाई मान लूं तो ये डेल्टा वाई है। तो डेल्टा एक्स में से डेल्टा वाई तो माइनस कर दिया हमने, ये हो गया, सॉरी एक्स में से वाई माइनस कर दिया, ये आ गया, बट डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जुड़ेंगे तो 0.5 बन गया। तो जो रिजल्ट आया उसमें एरर को निकालने के लिए प्लस माइनस करते हैं, तो ये हमारा आ गया आंसर डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर में चेंज, राइज इन टेम्परेचर का जो आंसर है वो हमें ये मिल गया। तो प्यारे बच्चों, भले ही आप दो नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उनकी एरर जो है वो हमेशा जुड़ जाती है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए, इस क्वेश्चन के साथ हमने स्टडी किया कि एरर्स का क्या होता है जब दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर प्रोपागेट कैसे करती है, आगे रिजल्ट में कैसे जाती है। चलिए, ये बात होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट बात हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की। आज का ये वीडियो इतना ही है। मल्टीप्लीकेशन और डिविजन से पहले हमें कैलकुलेशन के बिहाफ पर एरर के टाइप्स पता होने चाहिए, तो जिसमें हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इन सभी को पढ़ेंगे। जब हमें ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी उसके बाद हम पढ़ेंगे एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कैलकुलेशन के बिहाफ पर एरर्स के टाइप्स के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करें, अच्छे से इसके नोट्स बनाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।